हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फेबेसी की दूसरी सब फैमिली पढ़ने वाले हैं जो है सीजल पिनॉइडी। तो ये जो सब फैमिली है ये क्या है, इससे क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट करें ताकि वीडियोस की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फैमिली फेबेसी एंड सब फैमिली सीजल पिनॉइडी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ये जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये जो है इसको जो नाम दिया गया है सीजल पिनॉइडी, वो नाम किसके ऑनर में दिया गया है, इसको ये नाम जो है फेमस मेडिकल प्रैक्टिशनर सीजल पिनीज के ऑनर में ये नाम इसको दिया गया है। इसको केसिया फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो केसिया जीनस से रिलेटेड हैं। इसके अंदर 152 जेनेरा और 2800 स्पीसीज इंक्लूडेड है। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रेजेंट होती है और भारत के अंदर यानी कि इंडिया में इसकी 23 जेनेरा और 80 स्पीसीज प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। ये जो सब फैमिली है इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो ट्री लाइक हैं, जैसे बहुनिया, डेलोनेक्स, टेमेरिंडस, केसिया, फिस्टूला एंड हार्ड विकिया। कुछ मेंबर्स जो हैं वो श्रब लाइक हैं, जैसे सीजल पीनिया एंड पार्किन सोनिया। कुछ वुडी क्लाइंबर्स हैं जैसे बहुनिया वोहेली। कुछ जो हैं हर्ब्स हैं जैसे केसिया टोरा एंड केसिया ओबस्टी फोलिया। रूट की बात करें तो इनके अंदर ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टेम जो है इनका इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, हर्बेशियस और वुडी होता है। लीव्स जो हैं इसकी स्टॉक्ड, स्टिप्यूलेट, अल्टरनेट, कोलाइन और ब्रांच होती है। पल्विनस बेस इनके अंदर प्रेजेंट होता है और पिन्नेटली कंपाउंड होती है। जबकि हम बात करते हैं जब बहुनिया की, तो बहुनिया के अंदर जो लीव्स होती हैं वो बाई पिन्नेट होती हैं, बाई फोलिएट होती हैं। देखिए, ये बहुनिया की लीव है। जबकि जब हम बात करते हैं केसिया की, तो केसिया में ये यूनिपिन्नेट लीव्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। डेलोनिक्स और टेमरिंडस की बात करें तो इनके अंदर लीव्स बाईपिनेट होती है। बाईपिनेट का मतलब यह है कि जो मेन एक्सिस है उस मेन एक्सिस से दो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और सेकेंडरी ब्रांचेस के ऊपर लीफलेट प्रेजेंट होती है। पार्किंसोनिया जो हैं इनके अंदर कॉन्जॉइंट, बाईपिनेट और लेटरल स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पाइंस के अंदर, ये देखिए स्पाइंस के अंदर जो हैं इसके लेटरल स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और जो सेकेंडरी रेकिस है वो मॉडिफाई हो जाती है फिलोड में यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है सेकेंडरी रेकिस है जो कि कैसी हो गई है, लीफ लाइक हो गई है, फिलोड हो गई है, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लीव्स जो है इनकी बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत ही जल्दी जो हैं ये इस पे से गिर जाती हैं तो इनका जो रेचिस है वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इन्फ्लोरसेंस की बात करें तो इनके अंदर रेसिमोज या पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरसेंस प्रेजेंट होता है। यह है रेसिमोज इन्फ्लोरसेंस जिसमें जो हैं ऑल्टरनेट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं नीचे की तरफ यानी कि बेस पर जो हैं ओल्डर फ्लावर्स होते हैं जबकि टिप के ऊपर यंगर फ्लावर्स होते हैं। और यह है पेनिकल। अगर हम बात करें रेसिमोस की, अगर यही रेसिमोस कंपाउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम पेनिकल कहते हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो हैं ब्रैक्टिएट होते हैं। कुछ फ्लावर में लेटरल ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कभी कभी यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे ग्लेडिसिया और पेंटामेरस होते हैं यानी कि 5-5 का चक्र जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 5 सेपल 5 पेटल। साइक्लिक होते हैं यानी कि फ्लोरल साइकिल जो है वो साइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है। जाइगोमॉर्फिक होते हैं और पेरीगाइनस होते हैं। पेरीगाइनस के अंदर देखिए जो है जो ओवरी है वो अंदर की तरफ धसी हुई है एक कप लाइक स्ट्रक्चर थैलेमस के अंदर और बाकी जो पार्ट हैं वो इसमें ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं। कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स जो हैं इसके अंदर 5 होते हैं। पॉलीसेपेलस होते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट टाइप का स्टाइवेशन इनके सेपल्स में प्रेजेंट होता है यानी कि एक
बड़ा सेपल, उसके बाद दो लेटरल सेपल्स जिन्हें विंग्स कहते हैं, और दो स्मॉल सेपल्स जो इंटीरियर होते हैं और एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, उन्हें कील कहते हैं। सराका इंडिका में बात करें, सराका इंडिका और टैमरेंडिस इंडिका, इनके अंदर दो पोस्टीरियर सेपल्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, दो पोस्टीरियर सेपल्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ऑड सेपल इंटीरियर होता है। सराका में सेपल्स जो हैं वो पेटिलॉइड होते हैं, पेटिलॉइड का मतलब पेटल्स की तरह कलरफुल होते हैं। कोरोला की बात करें तो इनमें पेटल्स जो हैं फाइव होते हैं, पॉलीपेटेलस होते हैं, पॉलीपेटेलस का मतलब एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। असेंडिंग इम्ब्रिकेट इनके अंदर एस्टिवेशन पाया जाता है, यानी कि एक पेटल पूरा अंदर, एक पेटल पूरा बाहर और बाकी अंदर बाहर, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। सराका इंडिका और सेरेटोनिया में बात करें तो इनके अंदर कोरोला एब्सेंट होते हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो स्टेमस जो हैं 10 होते हैं और ज़्यादातर 5+5 के 2 साइकिल्स में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर में 7 फर्टाइल होते हैं और 3 स्टेमस स्टराइल होते हैं। ठीक है, जो पोस्टीरियर वाले हैं वो स्टराइल होते हैं। केसिया माइमोसिट्स की बात करें तो इसमें सारे के सारे 10 स्टेमस फर्टाइल होते हैं, जबकि केसिया फिस्टूला में जो पोस्टीरियर स्टेमन है वो स्टराइल होता है, यानी कि एक जो स्टेमन है वो स्टराइल होता है, बाकी के 9 स्टेमन जो हैं वो फर्टाइल होते हैं। केसिया एबिस्कस के अंदर सारे के सारे 5 स्टेमन जो कि इनर वर्म के अंदर हैं वो रिड्यूस होते हैं, यानी कि इसके अंदर इनर वॉल के स्टेमन्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। टैमरिंड के अंदर सिर्फ 3 स्टेमन फर्टाइल होते हैं, रिमेनिंग स्टराइल होते हैं। डेलोनिक्स जो हैं इसके अंदर स्टेमन्स पॉलीएंड्रस होते हैं, ये है पॉलीएंड्रस कंडीशन जिसमें स्टेमन्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, सारे के सारे स्टेमन्स जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। एंथ्रेसिया में जो स्टेमन्स हैं वो डाईएडेल्फस होते हैं, यानी कि एक स्टेमन फ्री, बाकी के जो 9 स्टेमन हैं वो फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एंथरलॉब की बात करें तो एंथरलॉब जो हैं इनके अंदर डाईथिकस होता है, इंसर्टेड होता है। इंसर्टेड का मतलब इस तरीके से पेटल्स से जुड़े हुए स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंट्रोस होते हैं, यानी कि जब पोलन रिलीज करते हैं तो फ्लावर के सेंटर की तरफ करते हैं, और साथ ही साथ जब इनमें डहिसेंस होता है, जो एपिकल स्पोर है, एपिकल जो पोर्स हैं उनके द्वारा होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल डहिसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। गाइनोसियम की बात करें तो अगेन मोनोकार्पुलरी, हिंदी में एक अंडपी, यूनिलोक्युलर, हाफ इन्फीरियर, जो पेरीगाइनस टाइप की ओवरी होती है उसको हाफ इन्फीरियर कहते हैं, यानी कि आधी अंदर और आधी बाहर जो है प्रेजेंट होती, कप लाइक थैलेमस में दसी हुई होती है। मार्जिनल प्लेसेंटन, इसके प्लेसेंटेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरीके का मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। स्टाइल जो है वो सिंगल होती है, स्ट्रेट होती है, कर्ड होती है, और स्टिग्मा जो है वो सिंपल टाइप का होता है। जबकि बात करें टूनिशिया डाईकार्पा में तो इसमें इस तरीके की बाईकार्पलरी ओवरी जो है प्रेजेंट होती है, यानी कि द्विअंडपी ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फ्रूट एंड सीड्स की बात करें तो इनके फ्रूट्स अगेन लेग्यूम होते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी के मेंबर हैं। सीड जो हैं वो या तो एंडोस्पर्मिक होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये देखिए, ये है केस या हर्ब कार्पा, इस टाइप के लेग्यूम या पोड टाइप के फ्रूट जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन जो है वो इनमें इंसेक्ट या बर्ड के द्वारा होता है। यह है इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। देखिए BR यानी कि ब्रैक्टिएट, ये यहाँ पर एक ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है एक व्यास सममित जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है इसका मतलब है, ये जब सिंबल जब बनाते हैं इसका मतलब है कि फ्लावर जो है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। K5 यानी कि बाह्य दल 5 हैं, और जब इनको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इसका मतलब ये देखिए ये कैसे हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं हैं, फ्री टाइप के हैं। कोरोला अगेन 5 एंड पॉलीपेटेलस, ये कोरोला 5 पॉलीपेटेलस।
एंडोसीम जो हैं वो 10 और 7 बेसिकली जो है 10 स्टेमन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो है देखिए जो कंडीशन बताई थी कि 7 जो हैं फर्टाइल होते हैं 3 स्टराइल होते हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये जो हैं ये फर्टाइल होते हैं और जिनको इस तरीके से बनाया गया है गोल गोल ओवल शेप के अंदर, ये 3 स्टेमन्स जो हैं इसके अंदर स्टराइल हैं। और लास्ट में जो हैं गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम में 1 जब लिखते हैं इसका मतलब मोनोकार्पलरी यूनिलोक्युलर, ठीक है, और नीचे जब लाइन बनाते हैं इसका मतलब जो ओवरी है वो कैसी है, इन्फीरियर है। तो ये यहाँ पर बनी हुई है ओवरी जो कैसी है, मोनोकार्पलरी यूनिलोक्युलर ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर और फ्लोरल फॉर्मूला है। अब कुछ मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं इस फैमिली सीजल पिनॉइडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस फैमिली के, इस सब फैमिली के एडिबल मेंबर्स, बहुनिया वेरिगेटा जिसको कचनार कहते हैं, टैमेरिंडस इंडिका यानी कि इमली। मेडिसिनल प्लांट्स हैं सराका इंडिका जिसे ट्रू अशोक कहते हैं, केशिया फिस्टूला यानी कि अमलतास, केशिया ग्लोका एंड केशिया सोफेरा। डाई यील्डिंग प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं हिमेटोजाइलोन कैम्पेचियनम जिसे लॉग वुड कहते हैं, सीजल पीनिया एकिनाटा एंड सीजल पीनिया सपेन। गम यील्डिंग प्लांट है बहुनिया वहली जिसे कैमल फुट ट्री और हिंदी में ऊंट खुरी पादप कहते हैं। टैनिंग यील्डिंग प्लांट्स यानी कि जो टैनिंग के अंदर काम आते हैं वो है बहुनिया पर्प्यूरिया, बहुनिया मलाबारिका, बहुनिया वहली और सीजल पीनिया डाइगाइनिया। ऑर्नामेंटल प्लांट है सराका इंडिका यानी कि अशोक, बहुनिया वेरिगेटा यानी कि कचनार, केशिया फिस्टूला यानी कि अमलतास, केशिया जेवेनिका यानी कि पिंक केशिया, केशिया साइनिया यानी कि श्याम अमलतास एंड डेलोनिक्स रेजिया यानी कि गुलमोहर। कचनार जो है उसको कड़वी बादाम का पेड़ भी कहते हैं, रोड साइड पर उसको लगाया जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट है सीजल पीनिया पल्चेरिमा जिसे पिकॉक फ्लावर कहते हैं, पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा जिसे जेरूसलम हॉर्न कहते हैं, सर्किस सिलिक्विस्ट्रम जिसे जुडास ट्री कहते हैं एंड पेल्टोफोरम टेरो कार्पम। ये सारे के सारे जो हैं सीजल पिनॉइडी के ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं। तो ये जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को शो करते हैं। तो हमने आज जो सब फैमिली देखी उसके कैरेक्टर्स और हमने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को देखा कि कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट्स जो है काम आते हैं। टैक्सोनॉमी जो है इन सब फैमिलीज और फैमिलीज की आपके सिलेबस में है। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बची हुई एक और सब फैमिली के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.